नमस्कार, गुड न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल गुप्ता। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार। गुड न्यूज इंडिया एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की ऐसी खबरें जिन्होंने देश और दुनिया के किसी कोने में एक खास हलचल तो पैदा की है, एक नई सकारात्मक शुरुआत तो की है, लेकिन उसकी जानकारी शायद आप तक नहीं पहुंच पाई है। समाज में आए दिन घटित होती आपराधिक घटनाओं को देखते हुए हमें ऐसा प्रतीत होता है मानो सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत कुछ है जो अच्छा है, सकारात्मक है। बस जरूरत है उसे देखने की, उससे सीखने की और समाज में अपना भी योगदान करने की। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। शैला, जैसा कि हम जानते हैं भारत गांवों का देश है। भारत में कई गांव आज भी ऐसे हैं जहां पर विकास की दरकार है, बदलाव की काफ़ी गुंजाइश है और बदलाव की रफ्तार को तेज़ करने के लिए चाहिए इनोवेशन यानी नवाचार। कुछ ऐसा ही कर दिखाया महाराष्ट्र के सतारा ज़िले की रहने वाली एक महिला ने, जिसके काम की वजह से उनको आज अद्भुत महिला भी कहा जाता है। बिल्कुल, सुरेखा एक ऐसी महिला है जिन्होंने बकरियों के पालन और विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बकरियों के गर्भाधान की आजीविका अपनाकर उन्होंने एक सफल कारोबारी होने का मुकाम हासिल किया है। सुरेखा एक ऐसी कारोबारी महिला है जिन्होंने बकरियों के पालन और विकास में अपना योगदान दिया है। बकरियों में गर्भाधान की आजीविका अपनाकर सुरेखा ने एक सफल कारोबारी का मुकाम हासिल किया है। इससे पहले उन्होंने कंप्यूटर और सिलाई कढ़ाई के काम में भी दक्षता हासिल की। 18 साल की उम्र में सुरेखा मान देसी नामक एक संस्था से जुड़ी, जो हिसाब, हिम्मत और हुनर के सहारे महिलाओं के सशक्तिकरण के काम में लगी हुई है। मान देसी ने NARI के साथ मिलकर पायलट परियोजना के रूप में बकरियों के गर्भाधान से संबंधित एक कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके लिए 23 महिलाओं का चुनाव किया गया। इन्हें फॉल्टन में 6 दिनों का प्रशिक्षण दिया गया। सुरेखा इन 23 महिलाओं में शामिल थी। प्रशिक्षण के दौरान इन्होंने अपने काम को अच्छी तरह से सीखा। सुरेखा ने सतारा जिले के महासवार में ये काम शुरू किया। सबसे पहले इन्होंने 25 बकरियों का गर्भाधान करवाया, जिसमें से 15 सफल रहीं, लेकिन केवल ये काम एक प्रशिक्षण के तौर पर सीखना ही उन्हें काफी नहीं लगा, बल्कि उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए कारोबार के तौर पर अपनाना चाहा। इसके लिए सुरेखा ने मानदेसी संगठन के द्वारा चलाए जा रहे बिजनेस स्कूल में दाखिला लिया, ताकि कारोबारी हुनर सीख सके। सुरेखा को शुरुआत में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, बाधाएं आईं, लेकिन पूरी हिम्मत और धैर्य के साथ वे चुनौतियों का सामना करती रहीं। आज सुरेखा 70% सफलता दर के साथ 5 गांव में ये काम कर रही हैं। वे हर महीने 40 से 45 बकरियों का वीर्यधान करवाती हैं। इसके अलावा वे अपने पास आने वाली सभी बकरी पालकों को इनकी देखभाल का तरीका और खान पान की जरूरतों के बारे में भी बताती हैं। सुरेखा अब ये हुनर आसपास के गांव में फैलाना चाहती हैं, ताकि महिलाएं उनसे प्रशिक्षण लेकर खुद ये काम शुरू कर सकें। मानदेसी के इस आजीविका कार्यक्रम ने सुरेखा की जिंदगी बदल दी है और अब सुरेखा इस कार्यक्रम से अन्य महिलाओं को भी जोड़ना चाहती हैं। वो कहती हैं कि अब उनके जीवन का उद्देश्य अन्य महिलाओं को भी सशक्त बनाना है। मुंबई से तबस्सुम मलिक की रिपोर्ट, गुड न्यूज इंडिया के लिए। अच्छी कहा है कि अगर भारत की असली तस्वीर देखनी है तो गाँव में तो जाना ही पड़ेगा। वैसे राहुल, हम सभी चाहते हैं कि हमारे पास ज्यादा दूध देने वाली गायें हों, भैंसें हों, ताकि हम एक अच्छी और सेहतमंद जिंदगी जी सकें। लेकिन बदलते दौर की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे साथ साथ हमारे पशुओं की सेहत में भी बदलाव आ रहा है। कितना अच्छा होता अगर हम अपने पशुओं को सुरक्षित रख पाते। जी हाँ, वाकई में भारत जैसे देश में अगर किसी गरीब व्यक्ति के पास पशुधन है तो वो पशुधन उस व्यक्ति के लिए काफ़ी मायने रखता है। ऐसे में अच्छी क्षमता वाला पशुधन या अच्छी क्वालिटी का पशुधन होना अपने आप में काफ़ी बड़ा एक उपहार है। नई तकनीक के जरिए, स्टेम सेल तकनीक के जरिए या क्लोनिंग के जरिए इस उपहार को गरीब लोगों तक पहुँचाया जा रहा है और वैज्ञानिकों की ये कोशिश पूरे भारत में रंग ला रही है। किसी भी जीव का प्रतिरूप बनाना ही क्लोनिंग कहलाता है। क्लोन एक ऐसी जैविक रचना है जो मात्र जनक यानी माता या पिता से गैर लैंगिक विधि द्वारा तैयार होती है। क्लोनिंग को लेकर भारत के वैज्ञानिक पशुओं पर निरंतर शोधरत हैं। क्लोनिंग तकनीक का सबसे बड़ा फायदा डेयरी क्षेत्र को होगा। इससे लंबे समय तक अधिक दूध देने वाली
अच्छी नस्ल की भैंसे तैयार करने में मदद मिलेगी। क्लोन का मतलब यह है कि हमको इस समय, अब जैसे हमारा देश जो है दुग्ध उत्पादन में प्रथम है, लेकिन ये प्रथम हमको रखना है 10 साल से लेकर आगे बढ़ाना है, तो दुग्ध उत्पादन में क्रांति लाने के लिए क्लोनिंग टेक्निक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हरियाणा के करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने क्लोनिंग के क्षेत्र में भारत को विश्व पटल पर पहचान दिलाई है। हाल के वर्षों में NDRI के वैज्ञानिकों ने एक बछड़े का क्लोन विकसित करने में सफलता हासिल की है। हस्त निर्देशित क्लोनिंग तकनीक द्वारा विकसित इस बछड़े को वैज्ञानिकों ने रजत नाम दिया है। सामान्य प्रसव द्वारा 23 जुलाई 2014 को जन्मे इस बछड़े का जन्म के समय वजन 32 किलोग्राम था। नवजात बछड़ा NDRI के पशु फार्म के मुर्राह भैंसे MU4393 का क्लोन है। खास बात यह है कि जिस भैंसे के प्रसूतित सीमन का उपयोग कर क्लोन विकसित किया गया है उसकी मृत्यु 10 साल पहले हो चुकी थी और एक प्रकार से मृत्यु के उपरांत उस भैंसे का क्लोनिंग द्वारा पुनर्जन्म कराया गया। इसमें हमने क्या किया कि वो यूरिन से जो डिस्कार्डेड यूरिन एक टाइप का एक्सक्रीटिव मटेरियल होता है उससे हमने सेल्स लिए, सोमेटिक सेल लिए और उनको उठाकर हमने फिर क्या किया कि जैसे एम्ब्रियो बनाए और एम्ब्रियो बनाकर उसके बाद ही एक काप पैदा हुआ। गौरतलब है कि संतति परीक्षण के तहत कई संतानें पैदा करने के लिए नर पशुओं का कई मादा पशुओं के साथ संगम कराया जाता है, फिर इन उत्पन्न संतानों का औसत प्रदर्शन निकाला जाता है। इस प्रकार किसी नर पशु की श्रेष्ठता की गणना करने में कई साल लग जाते हैं। देश में क्लोनिंग तकनीक को सफल बनाने में जुटे NDRI के वैज्ञानिक अपने शोध से जहां राष्ट्र को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं, वहीं पशुओं के नस्ल सुधार और संवर्धन के जरिए दुग्ध उत्पादन बढ़ाकर डेयरी उद्योग को व्यावसायिक रूप देने का काम भी कर रहे हैं। तो देखा चला आपने पशुधन का उचित इस्तेमाल विज्ञान की नई तकनीक के साथ। फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब आपको मिलवाएंगे बदायूं के जगत गांव के रहने वाले एक व्यक्ति सुरेंद्र से, जिनके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं लेकिन उन चुनौतियों से पार पाते हुए वो लोगों के सामने एक मिसाल हैं। I fire hard and I fire strong. I like solving problems. Facing an enemy at a higher position is a problem. Being 2 points down is a problem. And the bigger the problem, the sweeter the victory. What do I like more? Going to battle or firing my pistol? I like the fact that I do both for India. We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. Kumsum sitalaya me muskaan ka kankad maro. किसकी नजर लगे इसको जल्दी से उतारो, खुशियों से जेबे भरने की अब अपनी बारी आई है, चलो 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 सवारी आई है, खुशियों से जेबे भरने की अब अपनी बारी। नया बजाज CT 100, खुशियों का जैकपॉट। उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया, जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़े। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ए भाई जरा देखो तो, टंकी ही नहीं कूलर भी, ड्रम ही नहीं गमले भी, घर में ही नहीं बाहर भी। ए भाई इधर देखो हर तरफ एडीज मच्छर, घड़े में टायर में डिब्बे में प्याले में हर जगह पनपता है। डेंगू और चिकनगुनिया का मच्छर साफ पानी में ही पनपता है। ड्रम कूलर आदि को हर सप्ताह साफ करें। कोई भी चीज जिसमें पानी जमा हो सके इधर उधर न फेंकें। प्यारे और इस हालत में बचाव ही एक रास्ता है। ये भाई उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया, जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़े।
ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं गुड न्यूज इंडिया। शैला, हमने कितनी बार ऐसा देखा है, हमारे सामने थोड़ी सी भी चुनौती आती है तो हम हार मान लेते हैं या हतोत्साहित हो जाते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो गंभीर चुनौतियां होने के बावजूद अपने आत्मविश्वास से नहीं हिलते हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं आपको ले चलते हैं, जहां एक युवक के सामने गंभीर शारीरिक चुनौतियां थी, फिर भी वो ना सिर्फ अपने पैरों पे खड़े हुए बल्कि और भी कई लोगों को स्वावलंबी बनाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के जगत गांव के रहने वाले सुरेंद्र की। सुरेंद्र जन्म से दृष्टिहीन है, लेकिन दृष्टिहीन होने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज से लगभग 15 साल पहले उन्होंने अपनी माँ से चरखा कातना सीखा और आज वो अपने पैरों पर खड़े हैं। साथ ही वो अन्य महिलाओं और बच्चों को स्वावलंबी बनाने हेतु उन्हें भी चरखा कातना सिखा रहे हैं। बदायूं के ग्राम जगत निवासी सुरेंद्र जन्म से ही आंखों की रोशनी से महरूम हैं, लेकिन कुछ कर गुजरने एवं पैरों पर स्वयं खड़ा होने की चाह इतनी मजबूत कि इन्होंने लगभग 15 वर्ष पूर्व अपनी माँ से चरखा कातना सीखा। इसके साथ ही खुद तो चरखा काता ही, गांव की अनपढ़ महिलाओं बच्चों को भी स्वावलंबी बनाने के लिए उन्हें चरखा कातना सिखाने लगे, जिसके चलते गाँव के काफी ग्रामीण इनसे चरखा कातना सीख अपनी रोजी रोटी कमाने लगे। यही नहीं, इन्हें भारत सरकार ने खादी एवं ग्रामोद्योग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2007 का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में तत्कालीन केंद्रीय खादी ग्रामोद्योग मंत्री श्री महावीर प्रसाद द्वारा दिया गया। हमारे लिए प्रेरणा मिली है जो है गांधी जी से। गांधी जी चरखा चलाते थे और उन्हीं से हमें जो प्रेरणा मिली। हमने अपनी अम्मा से कहा था कि चरखा चलाना हमको भी सिखाओ, तो हमारी अम्मा ने जो है चरखा चलाना हमें सिखाया। फिर चरखा आज भी जो हम चला रहे हैं और जो है काफ़ी समय हो गया चरखा चलाते, आज भी चरखा चला रहे हैं। हमने अपने पड़ोसियों को, गांव वालों को, सभी छोटे छोटे बच्चों को, सभी के लिए चरखा चलाना हमने सिखा दिया है और अब भी बच्चे सीख रहे हैं चरखा चलाना सीख रहे हैं। सुरेंद्र कुमार अपने घर पर चरखे से सूत काट कर खादी ग्रामोद्योग भंडार के जनसेवा केंद्र पर देते हैं। इस लगन एवं प्रयास को देखकर प्रबंधक द्वारा उनका नाम खादी ग्रामोद्योग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भेजा गया, जहां उन्हें साल 2007 के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रबंधक के अनुसार सुरेंद्र कुमार को आंखों की रोशनी तो नहीं मिली, लेकिन उत्तम दर्जे का पतला बढ़िया सूत काटने का हुनर उनके पास जरूर है। दो साल से चरखा सीखने आते हैं और हम ये चरखा सुरेंद्र भाई से सीखते हैं और हम चाहते हैं कि गांधी जी का चरखा ऐसे ही चलता रहे और हमें रोजगार भी मिले। बदायूं के 34 साल के सुरेंद्र कुमार ने अपने गांव के लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए जो कुछ किया, उससे आज गांव में घर घर पर सूत काट कर महिलाएं अपने परिवार का पेट पाल रही हैं। आज जहां गांधी जी के चरखे को लोग भूलने लगे हैं, वहीं सुरेंद्र कुमार ग्रामीणों को चरखे से सूत काटना सिखाते हुए लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य करते हुए एक नई अलख जगा रहे हैं। बदायूं से राहुल सक्सेना की रिपोर्ट, गुड न्यूज इंडिया के लिए। सच, बदायूं के सुरेंद्र को गुड न्यूज इंडिया की पूरी टीम का सलाम। वैसे सलाम तो राहुल वायुसेना को भी करना पड़ेगा। वैसे तो आसमां के इन रखवालों का इतिहास आजादी से भी काफी पुराना है। गुरुवार को इनकी 83वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस मौके पर एयर चीफ मार्शल अरूप राहा ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। जी हाँ, उन महत्वपूर्ण घोषणाओं में एक घोषणा ये भी शामिल थी कि भविष्य में जो फाइटर प्लेन है, यानी लड़ाकू विमान है, उसे भारत की महिलाएं भी चला पाएंगी। सुखोई 30 फाइटर जेट की वर्टिकल चाल ली करतब, यह है पिलाटूस जो 100 नॉट्स की रफ्तार से भी काफी नीचे उड़ान भरता है। अब देखिए हॉक विमानों का सूर्य किरण दस्ता, ये 5 सालों बाद अपनी अटखेलियों के साथ उतरा है। सारंग दस्ता अपने हेलीकॉप्टरों के साथ जब गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर हवा में लहराए तो यकीन करना मुश्किल हो गया। इन द फाइटर फ्लीट द मिड लाइफ अपग्रेड प्रोजेक्ट्स ऑफ मिग 29, मिराज 2000,
and Jaguar, along with the induction of LCA by next year, will further enhance our operational capability. दूसरे विश्व युद्ध में बर्मा सीमा पर जापानियों को घुटनों पर लाना हो, चाहे पाकिस्तान के खिलाफ चार चार लड़ाइयां हो, जिसमें 1965 की वीर गाथा से लेकर करगिल विजय तक की दास्तां को हम अब तक नहीं भूल पाए हैं। We are the Indian Air Force. लेकिन सैन्य अभियानों से आगे बढ़कर चाहे प्रकृति की आपदा से टक्कर लेनी हो या यमन जैसे देश की सीमाओं से दूर की धरती पर अपनों की घर वापसी का अभियान हो, गर्व करने के मौकों की कमी नहीं है। हिंडन में हुए मुख्य समारोह में जवानों को वायुसेना मेडल दिए गए तो कई यूनिटों को सम्मानित भी किया गया। वायुसेना के स्थापना दिवस के मौके पर खुद प्रधानमंत्री ने वायु सैनिकों को सराहा, लेकिन आज 8 दशकों बाद सामने हैं नई चुनौतियां और नए मौके भी। एक मौका है स्त्री शक्ति की नई पहचान का। एक साल के अंदर मेरे ख्याल से हम महिलाओं को मौका दे के उनको हम फाइटर पायलट के रूप में देख सकते हैं, पर फाइटर पायलट ट्रेनिंग बहुत लंबी होती है, सो उसके लिए पूरा ऑपरेशनल बनने के लिए कम से कम 3 साल लग जाएगा। भारतीय वायुसेना अब नई उड़ान भरने के लिए तैयार दिखता है, चाहे ज्यादा से ज्यादा महिला शक्ति के इस्तेमाल की बात हो या फिर मेक इन इंडिया जैसे आयाम की बात हो। लेकिन ऐसे में चुनौतियों से नजरें नहीं हटाई जा सकती, चाहे अगली पीढ़ी के फाइटर जेट्स की बात हो या फिर बात हो तेजस जैसे कोशिशों को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने की। और ऐसे में एशिया पैसिफिक क्षेत्र में बदलते शक्ति संतुलन पर भी जरूर निगाहें होंगी। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ मैं ओम प्रकाश दास, हिंडन एयरबेस से। क्या राहुल, अब महिलाओं की शक्ति लड़ाकू विमानों में भी दिखाई देगी? काश मैं भी एयरफोर्स में होती तो कितना मजा आता। उम्मीद कर सकते हैं आपका सपना ये जरूर पूरा हो। लेकिन खाना बर्बादी रुके, ये बहुत लोगों का सपना है। इस सपने को पूरा होने के लिए क्या कभी आपने सोचा है एक मोबाइल ऐप भी मददगार साबित हो सकती है? जी हाँ, ये खास मोबाइल ऐप के बारे में आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। क्या बात है राशिद, फर्स्ट डिवीजन में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी तुम उदास हो? लेकिन सर वो सोच रहे होगे कि खर्चा कहाँ से आएगा। हा? चिंता मत करो, अब जिंदगी की दौड़ में तुम जैसे स्टूडेंट्स को पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब तुम्हारे साथ है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप। फेलोशिप हमारे लिए? सर हाँ, तुम्हारे लिए और अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय से जूनियर रिसर्च फेलोशिप या एमफिल के लिए आवेदन दिया। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.minorityaffairs.gov.in पर या कॉल करें टोल फ्री नंबर 1-800-112-001 पर। सबका साथ सबका विकास। किसी की नजर ना लगे, किसी की नजर नहीं लगेगी। बुरी नजर से बचाने के लिए इतना कुछ, सबसे पहले सिर्फ बीमारियों की नजर से तो बचाइए। वो कैसे? संपूर्ण टीकाकरण से ये बच्चे को कई जानलेवा बीमारियों से जिंदगी भर बचाएगा। 2 साल तक के बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण जरूर कराएं। मिशन इंद्रधनुष, जिंदगी इंद्रधनुष बनाए। सुना है बिटिया की शादी तय हो गई है? हाँ सेठ जी। कुछ रुपए पैसे? नहीं नहीं सेठ जी, मैंने इसके लिए ग्रामीण डाक जीवन बीमा पहले से ही करा रखा है। ग्रामीण डाक जीवन बीमा, ताकि आपकी शान हमेशा बनी रहे। उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया, जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला न छोड़े। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। तो ब्रेक के बाद गुड न्यूज इंडिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अरे राहुल, ये आप फोन पर क्या कर रहे हैं? दरअसल शैला, मैं वो मोबाइल ऐप ढूंढ रहा हूँ जिसके जरिए खाना बर्बादी को रोका जा सकता है। खाना बर्बादी ऐप के थ्रू? जी हाँ, ऐप के जरिए भी खाना बर्बादी रोकी जा सकती है। आपको हम बताते हैं, फ्रांस के 2 कारोबारियों ने एक ऐसी मोबाइल ऐप को बनाया है जिसके जरिए अगर किसी रेस्टोरेंट में ज्यादा खाना बन गया है
तो उस खाने को बर्बादी के रोकने के लिए उस ऐप में उसकी जानकारी डाली जाती है और उस खाने को डिस्काउंटेड यानी कम दाम पर ग्राहकों को बेचा जाता है। इससे दोनों के फायदे होते हैं, रेस्टोरेंट मालिक का खाना बच जाता है और ग्राहकों को भी सस्ते दाम में अच्छा खाना मिल जाता है। फ्रांसीसी उद्यमियों ने पिछले साल अक्टूबर में एक ऐसा मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसके जरिए पेरिस के दुकानदारों को उनके आसपास के ग्राहकों के साथ जोड़ा गया है ताकि उन्हें उनके अनबिके उत्पादों पर दी जाने वाली छूट की जानकारी देकर भोजन की बर्बादी को रोका जा सके। ये ऐप ऑप्टिमियम के नाम से जाना जाता है जिसके जरिए ग्राहक वहाँ की खाने पीने की दुकानों और बेकरी के साथ जुड़कर बेहतर सौदे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही मैं ये मोबाइल एप्लीकेशन शुरू करती हूँ ये जीपीएस के माध्यम से मेरी लोकेशन तलाश कर लेता है और दूरी के आधार पर मेरे आसपास सभी सौदे की जानकारी प्रदर्शित करता है। दुकानदार हर दिन अपने सरप्लस स्टॉक की जानकारी ऑनलाइन देते हैं और ये जानकारी इस ऐप को डाउनलोड करने वाले ग्राहक तक पहुँच जाती है। ग्राहक ऑप्टिमियम एप्लीकेशन के शुक्रगुजार हैं क्योंकि इसके जरिए खाद्य सामग्रियों को खराब होने से बचा सकते हैं। संक्षेप में कहें तो खाद्य पदार्थ विक्रेता, बेकरी वाले और पेस्ट्री बनाने वाले, हम जैसे लोगों के पास नियमित तौर पर काफी मात्रा में ऐसी सामग्रियां होती हैं जो खराब हो सकती हैं। किसी किसी दिन तो हम अपने भंडार की 10-20% चीजों को खराब हो जाने के कारण फेंक देते हैं, इसलिए ऑप्टिमियम एप्लीकेशन कि हम शुक्रगुजार हैं कि इसकी बदौलत हम इन खाद्य सामग्रियों को खराब होने से बचा सकते हैं। पहले 9 महीने में ही ये ऐप 22,000 बार डाउनलोड किया गया था। इस ऐप को लॉन्च करने वालों को उम्मीद है कि और अधिक धन जुटाकर वो इसे पेरिस के बाहर भी लॉन्च कर सकेंगे ताकि आने वाले 3 सालों में उनके ग्राहक 90 की जगह 1,500 व्यवसायों का लाभ उठा सके। गुड न्यूज इंडिया, डीडी न्यूज। बिल्कुल राहुल, ये ऐप अपने आप में वाकई बहुत कारगर है। हम अक्सर देखते हैं हमारे घर में कोई शादी या फंक्शन होता है, खाना 200 लोगों का बनता है लेकिन आते 100 ही लोग हैं, ऐसे में बहुत सारा खाना बर्बाद हो जाता है। अगर ये ऐप भारत में भी आता है तो शायद इस खाने की बर्बादी को रोकने में काफ़ी सफल साबित होगा। जी वाकई में खाने की बर्बादियों को इस ऐप के जरिए भारत में भी रोकी जा सकती है। अब आपको सफाई अभियान के बारे में बताते हैं। पूरे देश में सफाई अभियान चल रहा है, हर कोई चाहता है कि उसके आसपास सफाई हो, हर कोई इसमें योगदान भी दे रहा है। मुंबई के डब्बे वालों ने भी इसमें योगदान दिया और जो तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं वो वाकई में काफ़ी प्रोत्साहनजनक है। जिनके हाथों में होते हैं खाने के डब्बे, आज उनके हाथों में है झाड़ू। जो गली गली जाकर लोगों को गर्मा गर्म भोजन पहुंचाते हैं, आज वो उन्हीं गलियों की सफाई में लगे हैं। जी हाँ, इन लोगों के सिर पर गांधी टोपी देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं मुंबई के मशहूर डब्बे वालों की, जिन्होंने मुंबई में सफाई अभियान में हिस्सा लिया। स्वच्छता अभियान पूरे जोर शोर से देश भर में चल रहा है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वपूर्ण स्वच्छ भारत अभियान की पहली वर्षगांठ भी मनाई गई। इस मौके पर डब्बे वालों ने भी अपना योगदान दिया। 25 तारीख दिसंबर से लेकर अब तक हम इस अभियान से जुड़े हैं। हमने एक ही बार नहीं, कई बार हमने ये मूवमेंट की है, हमने लोगों तक हमने ये मैसेज पहुंचाया। आज भी हमारे अध्यक्ष ने कहा है कि हम डब्बे वाले जिस घर पे जाएंगे या जिस ऑफिस में जाएंगे ये संदेश लेके जाएंगे कि स्वच्छ भारत, हमारा भारत स्वच्छ भारत। वैसे तो क्या खास क्या आम, हर कोई सफाई अभियान में हिस्सा ले रहा है, लेकिन मुंबई के डब्बे वालों की ये कोशिश इसलिए खास है क्योंकि ये मुंबईकर से सालों से जुड़े हैं और इनको काफी सम्मान भी प्राप्त है। इन्होंने कहा कि सिर्फ प्रधानमंत्री और डब्बे वालों के सफाई अभियान से जुड़ने से कुछ नहीं होगा बल्कि इसमें हम सभी को भागीदार होना पड़ेगा। हम भारतीय से अपील करते हैं, देखो हम डब्बे वालों को तो नियुक्त किया है मगर हम डब्बे वाले ने काम करने से कोई भारत स्वच्छ होने वाला तो है नहीं, ना प्रधानमंत्री अकेले काम करेंगे तो भारत स्वच्छ होने वाला तो है नहीं। हर भारतीय ने, 125 करोड़ भारतीय, हर भारतीय ने अगर हाथ में झाड़ू उठाया तो भारत स्वच्छ जरूर। डब्बे वाले जो रोजाना लगभग 2 लाख टिफिन की डिलीवरी करते हैं और अपने बहुत ही खास डिलीवरी सिस्टम की वजह से दुनिया भर में जाने जाते हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी गलती करने की दर 60 लाख में केवल एक है। तो उम्मीद की जा सकती है कि इनकी ये आवाज ना सिर्फ मुंबई वासियों तक बल्कि देश के हर नागरिक तक पहुँचेगी। गुड न्यूज इंडिया, डीडी न्यूज।
तो देखा आपने, मुंबई के नायाब डब्बे वालों की ये कोशिश काफी प्रोत्साहनजनक है। तो राहुल, गुड न्यूज़ इंडिया का ये सफ़र अब यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन हमारे दर्शकों को हमारा ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है आप हमें लिखिएगा ज़रूर। वैसे तो आपकी ढेरों प्रतिक्रियाएं हमें प्राप्त हो रही हैं और बहुत अच्छा भी लग रहा है, लेकिन आगे भी आपकी इन्हीं प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। हमारा ईमेल आईडी है dtgoodnewsindia@gmail.com। जी हाँ, हमें आपके ईमेल्स का बेसब्री से इंतज़ार है। एक और गुजारिश हम आपसे करना चाहते हैं, आप भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। कैसे? अगर आपके आसपास कोई ऐसी खबर है या कोई ऐसी वीडियो है जो आपको लगता है कि गुड न्यूज़ इंडिया कार्यक्रम में शामिल हो सकती है, तो हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि आप उस खबर को या उस वीडियो को हम तक ज़रूर भेजें। हमारी टीम उसका आकलन करेगी और अगर वो खबर या वीडियो गुड न्यूज़ इंडिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सही साबित होती है तो हम आपसे वादा करते हैं हम उस खबर को और उस वीडियो को गुड न्यूज़ इंडिया कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको ले चलते हैं जयपुर, क्योंकि जयपुर में 120 सितार वादकों के साथ लगभग 50,000 बच्चों ने एक साथ वंदे मातरम गाया है। जी हाँ, 50,000 बच्चों ने एक साथ वंदे मातरम। आप देखिए इन दृश्यों को, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, नमस्कार। Thank you.